ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, जो चीज अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज की है तुम उससे कनारा कशी क्यों करते हो? क्या इससे अपनी बीवियों की खुशनुदी चाहते हो? और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। अल्लाह ने तुम लोगों के लिए तुम्हारी कस्मों का कफारा मुकर्रर कर दिया है, और अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज है, और वो दाना है, हिकमत वाला है। और याद करो जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से एक भेद की बात कही तो उसने दूसरी को बता दी, फिर जब उसने उसको जाहिर कर दिया और अल्लाह ने इस हाल से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बीवी को वो बात कुछ तो जताई और कुछ ना बताई। सो जब वो बात उनको बताई तो वो पूछने लगी कि आपको ये किसने बताया? फरमाया कि मुझे उसने बताया है जो सब कुछ जानने वाला है, खबरदार है। अगर तुम दोनों अल्लाह के आगे तौबा करो तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल मायल हो ही गए हैं। और अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बाहम एयानत करोगी तो अल्लाह और जिब्रील और नेक किरदार मुसलमान उनके हामी और दोस्तदार हैं, और इनके अलावा सब फरिश्ते भी मददगार हैं। ऐ अज़वाज नबी, अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तलाक दे दें तो अजब नहीं कि उनका परवरदिगार तुम्हारे बदले उनको तुमसे बेहतर बीवियां दे दे। मुसलमान ईमान वालियां, फरमाबरदार, तौबा करने वालियां, इबादत गुजार, रोजा रखने वालियां, शादीशुदा और कुंवारियां, मोमिनों अपने आप को और अपने अहलो आयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे, और जिस पर तुंदखू और सख्त गिर फरिश्ते मुकर्रर हैं। वो किसी हुक्म की जो अल्लाह उनको देता है नाफरमानी नहीं करते, और जो हुक्म उनको मिलता है उसे बजा लाते हैं। काफिरो, आज बहाने मत बनाओ, जो अमल तुम किया करते थे उन्हीं का तुमको बदला दिया जाएगा। मोमिनों, अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा, और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें माफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है।